इंदौर में नगर निगम द्वारा शनिवार को वार्ड 55 में कांग्रेस नेत्री के एक जर्जर मकान को गिराने की कार्यवाही की गई। गार्डन फर्सी से बने इस मकान को गिराने में नगर निगम की टीम को काफी मेहनत करनी पड़ी। निगम के अमले के साथ बड़ी संख्या में यहां पुलिस बल भी मौजूद रहा। देखिए रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम लगातार शहर की खतरनाक कमजोर इमारतों को गिराने की कार्यवाही कर रहा है। इसी के तहत निगम ने कांग्रेस नेत्री का मकान धराशायी किया। दरअसल पिछले माह 3 जनवरी को बारिश के चलते छावनी क्षेत्र की मेन रोड पर बनी इंदौर जनपद पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पारिया की इमारत का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमे शुजालपुर की DSP दीपाली जैन भी घायल हो गयी थी। वहीं निगम ने इस इमारत का भौतिक परीक्षण करवाया, जिसमें इस भवन को रहने के मान से अमानक बताया गया था, जिसके बाद आज निगम ने पुलिस बल के साथ इस मकान को गिराने की कार्रवाई की। और ये मकान बहुत पुराना है, मकान जर्जर स्थिति में है और इसको खतरनाक घोषित कर दिया गया था, क्योंकि ये छावनी मेन रोड पर मकान है और इसके साथ भी कुछ मकान लगे हुए हैं, लिहाजा इसको हटाने के लिए थोड़ी सी उस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी थी, जिसमें हम लोगों ने आज इसमें कार्रवाई शुरू करी है। पिछले दिनों इसी मकान से एक हादसा हुआ था कि इसके मकान का छज्जा गिरा था और एक पुलिस अधिकारी को थोड़ा उसमें चोट आई थी, उसके बाद से इस मकान को पूरा खाली करवा लिया गया था। वर्तमान में अभी स्थिति ये बन रही है कि ये G+4 है। दूसरा, ये मकान इतना पुराना है कि उस ज़माने के अंदर बीम लेंटर नहीं होते थे, लिहाजा पूरा ईंटों के ऊपर है, गार्डर फर्सी का मकान है और जब गार्डर फर्सी का मकान होता है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें विशेष रूप से भी कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती है और विशेष रूप से उसका ध्यान रख के करना पड़ता है, लिहाजा इसको हम लोगों ने काम शुरू किया है। काम शुरू करने में शुरू में हमने इसको थोड़ा सा मैनुअल करा था, ताकि ऊपर की सबसे ऊपर की जो छत की बाउंड्री वॉल्स वगैरह हैं उनको हम हटा सकें, और अब जा करके हमने इसमें पोकलैंड लगाई है। एक पोकलैंड को जहाँ जिस तरफ दूसरे मकान बने हैं उस तरफ लोड ना, इसलिए एक पोकलैंड को हमने उसको उसका सहारा दिया गया और दूसरी तरफ से हमने शुरुआत करी तोड़ने की, धीरे धीरे हम करके। वहीं मकान मालिक और किरायेदारों के बीच विवादों में उलझे इस मकान पर कार्यवाही के बीच में किरायेदार पहुंचे थे, लेकिन निगम ने उन्हें पुलिस की सहायता से अलग कर कार्यवाही को अंजाम दिया। विरोध नहीं है, कुछ किरायेदार आए थे कि सामान निकालना है, सामान के अंदर जाकर के देखा तो खिड़की दरवाजे जो पुराने थे निकलवाना चाहते थे, मैंने उसके लिए परमिट नहीं किया। गौरतलब है कि इंदौर में होटल हादसा होने के बाद से शहर के करीब 110 जर्जर मकानों को चिन्हित किया गया है। इनमें से सभी मकानों को तोड़ा नहीं जा सका, कई जगह पर कोर्ट का स्टे है तो कुछ जगहों पर राजनीतिक दबाव। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।